Hi all, this video is for standard 7 science 5/2 fabric. So in this video we are going to this is the second part. Agar first part aapne nahi dekha hoga to aap dekh lena. In this video we are going to have a detailed discussion about 5/2 fabric. First part mein bhi humne bahut sare discussions kiye the. Now in second part we are going to discuss about characteristics of wool. What is the characteristics of wool? Then second point we are going to discuss quality of wool fiber. Agar hamare paas wool fiber hai, because you know that two type of fiber are there, man made or animal source of, jo source of wool bolte ho, to uske andar kya hota hai ki jo wool hai, this is a not man made, this is from animal made. To iske case mein quality of wool fiber we are going to learn in this chapter about wool fiber. प्रोसेसिंग ऑफ ऊल, देखो प्रोसेसिंग ऑफ ऊल इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, प्रोसेसिंग ऑफ ऊल इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोसेसिंग ऑफ ऊल लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली. सबसे पहले शियरिंग प्रोसेस होता है. शियरिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो सीप होते हैं उनको, उनके ऊपर का जो स्किन होता है, द लेयर, फर्स्ट लेयर जिसके ऊपर हेयर होता है उसको रिमूव किया जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड शियरिंग प्रोसेस. ठीक है, वो हम डिटेल में समझेंगे. फिर वॉशिंग, वॉशिंग वेरी सिंपल आप सबको पता है, पर वॉशिंग कैसे, उनको वाटर के बड़े से टैंक में उनके जो जो हेयर्स के जो विंग्स होते हैं उनको डाला जाता है. देन सॉर्टिंग, सॉर्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, बिकॉज उसके हिसाब से क्वालिटी डिसाइड होती है ऊल की, देन ओनली दे डिसाइड अबाउट द क्वालिटी ऑफ ऊल. देन कार्डिंग एक प्रोसेस आता है, देन स्पिनिंग, ठीक है, देन डाइंग, कलर करते हैं उसको, बिकॉज जनरली यू आर, वी आर गेटिंग ब्लैक, व्हाइट एंड ब्राउन, ओनली थ्री कलर्स वी आर गेटिंग, दैट इज डायरेक्ट फ्रॉम शिप, बट बाद में जो दूसरे कलर चाहिए दैट इज बींग डाइड. वीविंग एंड किटिंग, फिर बाद में आता है वीविंग, यानी कि हाउ दे आर गोइंग टू प्रिपेयर इट. लाइक स्वेटर बनता है तो उसके लिए जो ऊल, आप ऊल कभी देखे होंगे तो यू सी दैट द फैब्रिक इज गेटिंग ट्विस्टेड अमॉन्ग ईच अदर, दैट इज कॉल्ड द किटिंग. देन फिनिशिंग, उसको फाइनल टच दिया जाता है. देन कार्बिंग एंड केमिकल फिनिशर, ये केमिकल जो फिनिशर होता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसके बाद दिस इज बींग डिसाइड आफ्टर दिस ऑल प्रोसेस कि वॉट इज द क्वालिटी ऑफ द ऊल. मैं वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा कि जो शीप होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट ऊल की क्वालिटी होती है. सो नाउ यूजेस ऑफ ऊल, ये भी हमको समझना है कि क्या यूजेस हैं. तो एवरीबॉडी नोज दैट दिस इज अ जनरल यूज ऑफ ऊल, कि हम स्वेटर बनाते हैं, जैकेट बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. सिल्क, इसके बाद हम इस वीडियो में सीखेंगे सिल्क के बारे में. सिल्क के कुछ जो प्रोडक्शन प्रोसेस हैं वो डिफरेंट होते हैं कंपेयर टू ऊल. तो इसमें हम देखेंगे इसके प्रोडक्शन कैसे होते हैं, हिस्ट्री क्या है, सिल्क आया कैसे, किसने रिसर्च किया, कहाँ कहाँ, किस किस कंट्री में ये, हाउ इट इज बीइंग स्प्रेड आउट. ठीक है, इंडिया इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दिस मैनुफैक्चरिंग. प्रॉपर्टीज, देन प्रोसेसिंग, देन वराइटीज ऑफ सिल्क. अब देखो वराइटीज ऑफ सिल्क में उनके कुछ नाम भी दिए हुए हैं. ठीक है, जैसे मलबरी सिल्क होता है, तस्सर सिल्क होता है, मूंगा होता है, इरिक होता है. तो दीज आर द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू लर्न इन डिटेल. Hi all, this video is for standard 7 science chapter 3 5/2 fabric. So already one video is being prepared on this and hope you have seen the same. अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप ये देख लो first video. वैसे मैं इसमें quick revision कर रहा हूँ. Introductions, fiber. Fiber is what basically, fiber are basic components of fabric. Because without fiber we cannot make fabric. Classification of fabrics already we have discussed in detail in first video. Man-made fabrics, there are two type of fabrics. आपने sixth standard में already ये study किया हुआ है कि fabric दो type के होते हैं, होते man-made और एक होता है जो animals के through हमको मिलते हैं और plants के through मिलते हैं, man-made और agriculture based. तो जैसे रेयन है, नायलॉन है और पॉलिस्टर्स है, दिस ऑल आर मैन मेड, और इनके यूजेस और इनका
कैसे प्रिपरेशन होता है। अब एनिमल फाइबर्स में आते हैं ऊल, जो हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है फर्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर सोर्स ऑफ ऊल क्या क्या होते हैं। सोर्स ऑफ ऊल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इसमें लैम्ब मतलब इसमें जो क्वालिटी होती है, इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन शिप के ऊपर डिपेंड होता है। अगर शिप की क्वालिटी है, शिप अगर बीमार नहीं होता है, शिप की क्वालिटी अच्छी होती है, तो यू विल गेट ए वेरी गुड क्वालिटी ऑफ ऊल। लैम्ब ऊल होता है, अंगोरा होता है, मोहर होते हैं, रफ ऊल होते हैं और मेरीनो ऊल होते हैं। तो जो ऊल का मार्केट है उसके अंदर ऊल के जो दाम है वो इसी बेस पे लगते हैं। नाउ वी हैव टू गो फॉर अनदर फॉर दिस वीडियो। चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऊल अब हमको देखना ये होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऊल क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऊल। सबसे पहले कि ऊल हैज़ मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इट इज़ सॉफ्ट एंड कम्फर्टेबल, क्या होता है, मुलायम होता है और कम्फर्टेबल होता है। इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, स्ट्रॉन्ग मीन्स अगर आप ऊल का कोई चीज़ बनाते हो, जैसे स्वेटर बनाते हो या कोई चीज़ बनाते हो, तो इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। जैसे एक बार एक स्वेटर बन गया तो दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल हम उसको ऑन ए रेगुलर बेसिस वी कैन हैव। इट हैज़ क्रिम्प, ये क्रिम्प होते हैं, दैट इज़ नेचुरल बेंड्स इन ए फाइबर, ठीक है। नेचुरल तरीके से ये यूज़ में आते हैं और अच्छे होते हैं। इट इज़ गुड साउंड ऑब्जर्वर, इट इज़ गुड साउंड एब्जॉर्बर। अब इनका कैसा होता है कि अगर साउंड है तो उसको भी ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर पैनलिंग कंसर्न्ड हॉल्स फॉर बेस्ट एकॉस्टिक्स। इसलिए क्या होता है कि बड़े बड़े सिनेमा घरों में इनका यूज़ किया जाता है फॉर साउंड एब्जॉर्बर। ऊल गिव्स अस ए लॉट ऑफ वार्मथ एंड कम्फर्ट इन विंटर। अब ऊल की वजह से विंटर सीजन में हमको ठंड कम लगता है। क्वालिटी ऑफ ऊल फाइबर, अब इनके क्वालिटी क्या होता है वो हम एक बार स्टडी कर लेते हैं। द क्वालिटी ऑफ ऊल इज़ डिटरमाइंड बाई द फॉलोइंग फैक्टर्स, उनके जो क्वालिटीज़ होते हैं वो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे डिटरमाइन होते हैं। फाइबर फाइनेस, लेंथ, स्केल स्ट्रक्चर, कलर, क्लीननेस, फ्रीडम फ्रॉम डैमेज। अब देखो फाइबर हम एक एक करके ये सब समझेंगे। फाइबर फाइनेस का मतलब होता है कि जो फाइबर की क्वालिटी है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, उसके हिसाब से उसका क्वालिटी का डिटर्मिनेशन होता है। लेंथ, ऊल जितना लंबा होगा उतना ही उसका दाम भी लगता है और क्वालिटी अच्छी होती है। उसके जो स्केल स्ट्रक्चर, स्केल मतलब उसके क्वालिटी होते हैं ऊल के, उसके एक पैरामीटर्स होते हैं, उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर वो सही होता है तो उसकी क्वालिटी अच्छी मानी जाती है। ऊल के कलर, जनरली क्या होता है कि ऊल के ऊपर कलर का आना बड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए कलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऊल। और क्लीननेस, उसकी सफाई कितनी है, कितना साफ़ सुथरा है। यूज़ क्या होता है कि ऊल जब प्रिपरेशन होता है, दैट इज़ व्हेन इट इज़ गोइंग टू प्रिपेयर्ड फ्रॉम शिप, तो उसके अंदर बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ आ जाते हैं। फ्रीडम फ्रॉम डैमेज, ठीक है, और कितना ज़्यादा वो नुकसान होने से बचेगा। द क्वालिटी ऑफ ऊल डिपेंड्स अपन द एज एंड द हेल्थ कंडीशन ऑफ द एनिमल। अब ये भी चीज़ है कि एनिमल का अगर हेल्थ अच्छा नहीं है तो उसके ऊल की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। और अगर शिप बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया है, ठीक है, जहाँ से आप ऊल की क्वालिटी ले रहे हो, तो भी उसकी ऊल की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। ऊल ऑब्टेंड फ्रॉम एन एनिमल ऑल्सो डिपेंड अपन द बॉडी पार्ट ऑफ द एनिमल फ्रॉम विच इज ऑब्टेंड। अब ऊल इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसके बॉडी के किस पार्ट का ये ऊल है। आप स्टोमक के पास पास का कर है, या गले के ऊपर का है, या सर के ऊपर का है। द ऊल फ्रॉम द सोल एंड द शोल्डर ऑफ द शीप इज यूजुअली सुपीरियर टू दैट ऑब्टेंड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब जो सोल्जर होते हैं ना, उसकी ऊल क्वालिटी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। ऊल फाइबर ऑफ डायमीटर लेस देन 25 माइक्रॉन्स कैन बी यूज फॉर गारमेंट्स, वाइल कोएजर ग्रेड्स आर यूज फॉर आउटर वियर और रग्स। द फाइनर द ऊल द सॉफ्टर इट विल बी, वाइल कोएजर ग्रेड्स आर मोर ड्यूरेबल एंड लेस प्रोन टू पिलिंग। प्रोसेसिंग ऑफ ऊल, ऊल इज प्रोसेस्ड इन द फॉलोइंग स्टेप। अब इसके प्रोसेस जो होते हैं वो कई स्टेप में होते हैं।
Shearing, the hair of sheep along with a thin layer of skin are removed from the body of sheep. The process of removing hair from the body of a sheep in the form of fleece is called shearing. Shearing does not hurt the sheep because the uppermost layer of the skin of sheep is dead. The shearing of sheep is done in the hot weather of summer so that sheep may survive without hair. ठीक है, चलो नाउ प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन बिफोर द ऑनेस्ट ऑफ विंटर एंड प्रोटेक्ट देम इन कोल्ड वेदर। अभी जो जो हेयर होता है दिस इज प्रोटेक्टिंग द शीप। जैसे विंटर में इफ यू आर टेकिंग आउट फ्रॉम दिस प्रोटेक्टिंग कोट ऑफ हेयर, द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन बिफोर द ऑनेस्ट ऑफ विंटर एंड प्रोटेक्ट देम इन कोल्ड वेदर। तो जनरली क्या होता है, जब विंटर होता है तो विंटर में हम उसके हेयर्स को रिमूव नहीं करते हैं, समर सीजन में उसके हम रिमूव कर देते हैं सो दैट शीप को ठंड नहीं लगती है और दे ऑल्सो सर्वाइव। वाशिंग और स्कोरिंग। द फ्लीसी ऑफ शीप कंटेन्स डस्ट, डर्ट, ड्राइड स्वीट एंड ग्रीस इटीसी। अब जो शीप का जो फ्लिशी होता है यानी जिसको रिमूव करते हैं तो वो क्या होता है, उसमें डस्ट होते हैं, गंदा होता है वो, तो उसको सुखाना पड़ता है, उसको थोड़े से गीले होते हैं। सो द फ्लिशी मस्ट बी क्लीन बिफोर इट कैन बी प्रोसेस इनटू वूल यार्ड। इसलिए उसके जो फ्लिशी होते हैं उसको अच्छे से साफ सफाई कर लेनी होती है बिफोर वी प्रोसेस। द फ्लिशी ऑफ शीप इज थ्रोली क्लीन्ड बाई वॉशिंग विथ सोप एंड ए लॉट ऑफ वाटर इन टैंक। बहुत सारे पानी को क्या करते हैं, एक टैंक में रख देते हैं और उसके अंदर उसकी फ्लिसी की सफाई होती है। द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द फ्लिसी दैट रिमूव्स डस्ट, डर्ट, ड्राइड स्वीट एंड ग्रीस इज कॉल्ड स्कोरिंग। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्कोरिंग। जहाँ पे कि उसके बाल को काटे जाते हैं, काटने के बाद उसको बड़े से वाटर के टैंक में डाले जाते हैं और वहाँ पे उसकी सफाई की जाती है। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्कोर्ड फ्लिस। सॉर्टिंग, और सॉर्टिंग में क्या बोलते हैं, द फाइबर फॉर्मिंग द फ्लिसी फ्रॉम द सेम शीप मे बी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। द फ्लिसी इज पिक्ड बाई हैंड टू सॉर्ट इट आउट इन टू सेपरेट पाइस ऑफ सिमिलर नेचर। कार्डिंग एंड कॉम्बिंग, कार्डिंग एंड कॉम्बिंग में क्या होता है कि कॉम्बिंग और कार्डिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कॉम्बिंग द फाइबर यूजिंग कॉम्ब्स विच हैव लॉन्ग मेटल टीथ। देखो कार्डिंग एंड कॉम्बिंग समझना है, कॉम्बिंग और कार्डिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कॉम्बिंग द फाइबर्स यूजिंग कॉम्ब्स विच हैव लॉन्ग मेटल टीथ। कॉम्बिंग रिमूव्स शॉर्ट फाइबर एंड arrange the fiber in flat bundle with all the fiber going in a straight direction. This process helps in untangling and loosening of fiber. The process of combining is used for long fiber. जब बड़े फाइबर बनाने होते हैं, लॉन्ग फाइबर बनाने होते हैं जिसको हम क्वालिटी ऑफ फाइबर्स में काउंट करते हैं, तो फॉर दैट वी रिक्वायर दिस काइंड ऑफ प्रोसेस। नाउ स्पिनिंग, देखो स्पिनिंग क्या होता है कि दिस इज द प्रोसेस which is being used in the textile cotton industry also. So these are the process, ठीक है, तो spinning, the आपको define करने में आ सकता है कि what is spinning, तो you can write it. The continuous ropes are then formed by the use of steel fingers which divide the wool and roll the standard on top of one another. Coarser fibers are then twisted into rope like a structure, a process called roving. I don't know. This is a process of roving. Finer fiber are then combed and prepared for spinning into yarn. After spinning, the wool is either woven or kitted. अब देखो dyeing एक process होता है, जब color हम करते हैं. The fiber can be dyed in various color as the natural fleece of sheep and goat is black, brown or white. जो नेचुरल कलर होता है गॉट का वो क्या होता है, या तो ब्लैक होगा या ब्राउन होगा और वाइट होगा। बट उसके बाद अगर हमको कुछ और डिफरेंट कलर चाहिए होता है तो वी यूज टू गो फॉर डाइंग प्रोसेस, बिकॉज डाइंग इज नॉट ईजी फॉर वूल। वीविंग एंड किटिंग, वीविंग इंटरलॉक पीसेस ऑफ यार्न
एट राइट एंगल टू एंड वन अनदर इन वीविंग वन सेट ऑफ यार्न इज अरेंज्ड लेंथ वाइज एंड द अदर सेट इज क्रॉस वाइज द टू रैप एंड व्रेथ आर इंटरलॉक्ड। अब देखो दो टाइप के वीविंग होते हैं, एक होता है जो स्ट्रेट वीविंग्स होती है, पर स्ट्रेट वीविंग में इंटरलॉक नहीं हो पाता है, तो जो इंटरलॉक होता है उसके अंदर क्या होता है, तो वो इस टाइप के होते हैं। इंटरलॉकिंग में क्या होता है कि देखो जैसे मैंने ऊनी किया हुआ है, एक प्रोसेस ये होता है और एक प्रोसेस होता है क्रॉस, ऐसे क्रॉस करते हैं, तो व्हेन दिस इज बीइंग क्रॉस्ड तो द फैब्रिक विल बिकम स्ट्रांग। द क्लॉथ इज लाइक पुल ओवर वेस्ट एंड सॉक विच नीड टू बी लूज एंड कंफर्टेबल इन यूज आर मेड बाई कीटिंग। फॉर कीटिंग ओनली वन यार्न इज यूज, द फैब्रिक इज नीट ओवर नीडेस बाई मेकिंग लूप। आप सबको पता है घर में देखा हुआ स्वेटर बनते हुए, दिस इज़ वेरी ईजी वेन यू आर टेकिंग द वो लेते हैं एंड देन वी हैव टू गो फॉर द प्रिपेयरिंग ऑफ स्वेटर्स। फिशिंग एंड फीलिंग, दिस इज ऑल्सो ए प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस द फैब्रिक इज पास्ड थ्रू क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन, जहाँ पे कि इसकी क्वालिटी चेक होती है कि वॉट काइंड ऑफ वूल इज बींग प्रिपेयर्ड, वेयर इम्परफेक्शन सच एज ब्रोकन थ्रेड एंड वेरिएशन इन कलर आर डिफाइंड। आफ्टर पासिंग द इंस्पेक्शन द कंटिन्यूस ऑन द फिलिंग स्टेज हियर द फैब्रिक श्रिंक बोथ इन लेंथ और विड्थ। वूलेंस आर ब्रशेज एंड रोस्टेड आर ऑफ्टन इनहेंज इन स्पेशल ट्रीटमेंट। क्रैबिंग, इन दिस प्रोसेस द फैब्रिक गोज थ्रू हॉट एंड देन कोल्ड वाटर। स्पोंगिंग इज डन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द फैब्रिक फ्रॉम सिंकिंग, दिस इज डन बाई डैम्पिंग द फैब्रिक विथ ए स्पॉन्जेस एंड देन रोलिंग इट इज इन मुस्लिन। अब केमिकल फिनिशर, अब केमिकल जो फिनिशर होता है, दिस इज द फाइनल प्रोसेस फॉर प्रिपेयरिंग द वूल। केमिकल फिनिशर आर देन एडेड टू द वूल बट द अमाउंट एंड टाइप आर डिटरमाइंड बाई द एंड प्रोडक्ट यूज। ये सारा कुछ रीड करने का रीज़न यही है, आप भी हमारे साथ रीड करो और अंडरस्टैंड करो। यूज़ ऑफ ऊल, अब यूज़ क्या है, तो सबसे पहले तो क्या होता है कि ऊल फेल्ट इज़ यूज टू कवर पियानो हैमर्स। जो पियानो के हैमर्स होते हैं, आपने देखे होंगे बड़े से जो पियानो होते हैं उनके हैमर होते हैं, तो उनके हैमर को हम ऊल से बनाए जाते हैं। ऊल इज़ यूज फॉर क्लॉथिंग, कपड़े स्वेटर बनते हैं, कारपेंटिंग, इंसुलेशन एंड अप होल्सरी, ठीक है, सॉक्स भी बनते हैं ऊल के, स्वेटर्स बनते हैं, जैकेट्स बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ऊल इज़ यूज टू एब्जॉर्ब ऑडर एंड नॉइज इन हेवी मशीनरी एंड स्टीरियो स्पीकर। आपने देखा होगा मैकेनिकल इंडस्ट्रीज में से बहुत आवाज़ होती है, तो क्या होती है उसके रूम के बाहर कुशनिंग की जाती है, ठीक है, तो जिससे क्या होता है साउंड बाहर नहीं जाता है। जैसे कई बार क्या होता है ना कि जो स्टूडियो वगैरह बनते हैं जहाँ पर शूटिंग होती रहती है, गाने की शूटिंग होती है, वहाँ पे उनका जो रूम बनाया जाता है वो इस टाइप का बनाया जाता है कि बाहर से आवाज़ अंदर नहीं आ सके, तो उसके लिए वुडन वॉल यूज़ किए जाते हैं। तो इनसाइड द वुडन वॉल ऊल इज़ बीइंग यूज्ड, ठीक है, जैसे स्टीरियो स्पीकर जहाँ पे बसता हो और आप चाहते हैं कि बाहर का साउंड ना आए, दिस काइंड ऑफ प्लेसेज यूज टू बी ऊल। ऊल फ्लेटेड एंड ट्रीटेड विथ लेनोलिन इज वाटर रेसिस्टेंस, प्रीमेबल एंड स्लाइटली एंटी बैक्टेरियल, सो इट इज़ रेसिस्टेंस। ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, अब देखो ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स में क्या होता है कि द पीपल हु डू द जॉब ऑफ सॉर्टिंग द फ्लेसी ऑफ स्टीप इंटू फाइबर ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज आर कॉल्ड सॉर्टर्स। इसकी सॉर्टिंग होती है, ठीक है, सॉर्टिंग में क्या होता है कि जो लोग काम करते हैं उनका हेल्थ बहुत जल्द ख़राब हो जाता है, बिकॉज उसमें केमिकल यूज होते हैं, उसकी डाइंग प्रोसेस होती है, उसकी सबसे पहला तो दिस यूज़ टू बी वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट उसके जो कवर होते हैं सीप्स के वो निकालने होते हैं, और फिर उसको जो फिशिंग प्रोसेस है दैट यूज़ टू बी वेरी डिफ़िकल्ट। द सॉर्टर्स जॉब, सॉर्टर कौन से होते हैं, जो लोग ये काम करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सॉर्टर। सॉर्टर जॉब इज़ वेरी रिस्की बिकॉज समटाइम दे गेट इन्फेक्टेड बाई द बैक्टीरिया कॉल्ड एंथेक्स। एक एंथेक्स बैक्टीरिया होता है जिससे वो बीमार हो जाते हैं, विच कॉज ए डेडली ब्लड डिजीजेज कॉल्ड सॉर्टर्स डिजीजेज। द रिक्स फेस बाई द पीपल वर्किंग इन एनी इंडस्ट्री ड्यू टू द नेचर ऑफ देयर वर्क आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैजर्ड।
सॉर्टर्स डिजीज इज एन ऑक्यूपेशनल हैजर्ड बोलते हैं इसको। ऑक्यूपेशनल हैजर्ड का मतलब होता है कि हम जो काम करते हैं उस काम से जो हमारे बॉडी के ऊपर नुकसान होता है उस चीज़ को हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। तो द पीपल दोज हु आर वर्किंग इन दिस काइंड ऑफ इंडस्ट्री, और उसमें नेचर ऑफ जॉब उनको क्या मिलता है, जैसे डाइंग है तो इट इज़ वेरी डेंजरस बिकॉज उसमें केमिकल यूज होते हैं। तो दे आर यूजिंग नाउ इट इज़ दे आर यूजिंग लॉट ऑफ थिंग्स टू प्रोटेक्ट द सेम, बट इट इज़ वेरी रिस्की। अब देखो सिल्क के बारे में हम देखते हैं, जो एनिमल सोर्सेज होते हैं ऊल फाइबर के, उसके अंदर ऊल हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ वी गो फॉर सिल्क। सिल्क इज़ ए फाइबर, स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट एंड शाइनिंग फाइबर प्रोड्यूस बाई सिल्क वॉर्म इन मेकिंग देयर कोकॉन्स। अब सबने सिक्स स्टैंडर्ड में स्टडी किया हुआ कोकॉन से बनता है। सिल्क इज ए नेचुरल फाइबर विच इज ऑब्टेंड फ्रॉम एन इंसेक्ट्स कॉल्ड सिल्क मोथ बोलते हैं। सिल्क इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेचुरल फाइबर है। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। अब जो ये प्रोसेस है उसको बोला जाता है सेरीकल्चर, ठीक है। रियल सिल्क एंड सिल्क फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम द पूपा ऑफ द एशियन ऑल मलबरी सिल्क मोथ, है ना, बॉम्बैक्स मोरी, दीज आर द क्वालिटी ऑफ सिल्क विच इज बींग मेड। हिस्ट्री ऑफ सिल्क क्या है वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि वेन द सिल्क इज बिंग स्टार्टेड एंड हाउ इट इज बिंग परफॉर्म। सिल्क वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना नियर अबाउट 3000 BC। लीजेंड गिव्स क्रेडिट टू हैसीलिंग सी, जो हैसीलिंग सी द ब्राइड ऑफ इम्पेपर हुसांग डी, है ना, फॉर द डिस्कवरी ऑफ द सिल्क कोकॉन। इन लोगों ने कोकॉन की डिस्कवरी की। सी वॉज ए सिल्क वॉर्म विविंग इन कोकॉन इन ए कप ऑफ टी दैट सी वॉज ड्रिंकिंग। जब वो चाय पी रही थी तो उस समय ब्राइड ऑफ इम पेपर हुजोंग सिंह हुजोंग डी की जो वाइफ थी, वेन सी वॉज टेकिंग टी, तो उस समय एक कोकॉन का इंसेक्ट था जो कि चाय के कप के ऊपर से पास हो रहा था। द सिल्क वॉर्म पुल्ड आउट ए ब्यूटिफुल थ्रेड, और वो एक बड़ा अच्छा सा थ्रेड प्रिपेयर करते हुए आगे की तरफ जा रहा था। सी देन कल्टिवेटेड इनफ सिल्क वॉर्म, उसने फिर बहुत सारे सिल्क वॉर्म को कल्टिवेट किया, यानी उसकी उसको पालने का उसको वो करने का किया। मे क्लोथ चाइना गार्डेड द सीक्रेट ऑफ प्रोड्यूसिंग सिल्क फाइबर अंटिल 3000 AD। दिस इज अ वेरी ओल्ड स्टोरी। वेन जापान एंड लेटर इंडिया, सबसे पहले चाइना ने इसका रिसर्च किया, ठीक है, उसको जापान ने किया, उसके बाद इंडिया में आ गया। पेनिट्रेटेड द सेक्रेसी द सीक्रेट ऑफ मेकिंग सिल्क रीचेस यूरोप अराउंड ओनली अराउंड 550। फिर ये यूरोप चला गया भाया बिजेंटाइन एम्पायर विद द स्प्रेड ऑफ इस्लाम। द सिल्क वॉर्म केम टू सिल्की एंड स्पेन, फिर वो दूसरे कंट्रियों में चले गए। बाई द 12th and 13th century 1200-1300 के आसपास इटली हैज बिकम द सिल्क सेंटर ऑफ द वेस्ट। जो इटली था वो सिल्क सेंटर का, वो सिल्क का एक बहुत बड़ा मार्केट बिल्डअप हो गया। बाई 17th century फ्रांस वॉज चैलेंजिंग इटली, फ्रांस जो है वो इटली को चैलेंज करना शुरू किया। लीडरशिप एंड सिल्क वॉर्म, लीडरशिप में हम सबसे ज़्यादा सिल्क हम बनाते हैं, ठीक है, वी आर द सिल्क मेकर। तो फ्रांस यूज टू बिकम द नंबर वन। वेयर एस्टेब्लिश इन द लियोन एरिया, ठीक है, विच आर फेमस इवन टूडे। लेटर ऑन ट्रेडर्स एंड ट्रेडर्स इंट्रोड्यूस सिल्क टू अदर कंट्रीज। द रूट द ट्रेवल्ड इज स्टिल कॉल्ड द सिल्क रूट, इसलिए उस रूट को हम बोला जाता है सिल्क रूट। द फीमेल सिल्क मोथ लेज नियरली 500 एग्स एट ए टाइम। टीनी सिल्क वॉर्म एग्स आर प्लेस्ड इन वेल वेंटिलेटेड कंटेनर्स विच आर केप्ट इन ए वॉर्म प्लेस। इनको कैसा है कि थोड़ा सा गर्म जगह पर रखा जाता है, बट ऑल अवे फ्रॉम द डायरेक्ट सन, अगर ये डायरेक्ट सन के एक्सपोजर में आएंगे तो मर जाते हैं। दीज एग्स हैच इन अबाउट 2 weeks, इनको 2 week लगता है इनको तैयार होने में। द एग्स हैच इन टू वेरी टीनी फरी ब्लैक वॉर्म्स, ये छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं ना वो ब्लैक फर वाले रेडी हो जाते हैं। द वॉर्म इन द कैटरपिलर स्टेज कंज्यूम एज इन्यूमरस अमाउंट ऑफ लीव्स, और ये क्या होते हैं जो कीड़े होते हैं ना पत्ते को बहुत खाते हैं, छेद छेद कर देते हैं उसके अंदर। द अमाउंट ऑफ मलबरी लीव्स दे कंज्यूम इज बिलीव टू ट्रांसफॉर्म इन टू सिल्क, और वहाँ से ये जो सिल्क में कन्वर्जन इनका शुरू हो जाता है। कन्वर्जन ऑफ लार्वा इन टू पूपा,
द कैटरपिलर और लार्वा स्पिन कोकोन्स, ये लोग क्या करते हैं, लार्वा उसको कोकोन्स को स्पिन करते हैं। दे कंस्ट्रक्ट ए हैमॉक एंड देन सिट इन द मिडिल एंड क्रिएट एग, ये फिर एग बनाते हैं। सेप्ड कोकोन्स अराउंड देमसेल्व्स, दिस स्टेज इज द बेस्ट टाइम टू हार्वेस्ट द सिल्क, टू ऑब्टेन सिल्क द वॉर्म इन साइड नीड्स टू बी किल्ड, और फिर बाद में क्या है उसके जो वॉर्म है उनको किल कर दिया जाता है। ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम द कोकोन, अब कोकोन से सिल्क कैसे बनता है, देन दे आर बॉइल्ड टू किल द वॉर्म इन साइड, पुपा आर सॉक्ड इन टू ए हॉट वाटर, गर्म पानी में उसको सॉक किया जाता है। बाथ टू रिमूव द गमिंग मटेरियल विच लेट द थ्रेड ज्वाइन टूगेदर, हॉट वाटर ट्रीटमेंट लूजन द थ्रेड, रीलिंग, अभी रीलिंग में कैसे होता है, आफ्टर बॉइलिंग द एंड ऑफ द थ्रेड ऑन द कोकोन इज फाउंड एंड अटैच टू ए स्पूल, द कोकोन स्पन बाई द सिल्क वॉर्म इज मेड अप ऑफ ए सिंगल थ्रेड रैंगिंग बिटवीन 6 meters एंड 1500 meters लॉन्ग। प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क, सिल्क एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, इट इज़ ए प्रोटीन फाइबर, इट इज़ वर्सेटाइल एंड कम्फर्टेबल टू वियर, इट कैन बी इजिली डाइड इन टू डिफरेंट कलर्स, सिल्क इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, सो इट इज़ कूल टू वियर इन समर एंड वॉर एज कम्पेयर टू कॉटन एंड लिनन, इट बर्न्स विथ ए स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर, जैसे बाल को आप जलाओगे तो उस टाइप का इसमें से स्मेल आता है। इट इज़ सेंसिटिव टू स्टोर अल्कलीज एंड एसिड, इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फैब्रिक, इसको बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फैब्रिक समझा जाता है। अब देखो प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क है, जैसे हमने ऊल के बारे में स्टडी किया वैसे हम लोग इसके प्रोसेस को समझते हैं। इन द प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क देर आर फॉलोइंग 4 stages, इसके 4 stages होते हैं, जैसे उसमें हमने स्टडी किया जो प्रोसेस उससे थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस है सिल्क के अंदर। सॉर्टिंग कोकोन, इसमें क्या होता है, कोकोन को हम लोग सॉर्टिंग करते हैं, द कोकोन्स आर स्टोर्ड सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू द कलर, कलर के हिसाब से वो अलग अलग किए जाते हैं, साइज शेप एंड टेक्स्चर एज दीज इफेक्ट द फाइनल क्वालिटी ऑफ सिल्क। अगर कोकोन की सॉर्टिंग अच्छे से नहीं होगी तो अच्छी क्वालिटी के सिल्क हमको नहीं मिलेंगे। कोकोन में रेंज फ्रॉम वाइट एंड येल्लो टू गेरीज, कोकोन का जो जनरली रेंज होता है ना वाइट से येल्लो की तरफ वो जाता है। सॉफ्टनिंग ऑफ सेरिकेन, सिल्क फिलामेंट इज ए डबल स्टैंड ऑफ फ्लोरीन विच इज फाइब्रोइन विच इज हेल्ड टुगेदर बाई ए गमी सब्सटेंस कॉल्ड सिरिसिन, और सिल्क गम भी उसको बोला जाता है। ठीक है, फाइनल क्वालिटी ऑफ द सिल्क कोकोन में रेंज फ्रॉम व्हाइट एंड येलो टू ग्रीन, है ना। सॉफ्टनिंग ऑफ सिरिसिन, सिल्क फिलामेंट इज ए डबल स्टैंड ऑफ फाइब्रोइन विच इज हेल्ड टुगेदर बाई ए गमी सब्सटेंस कॉल्ड सिरिसिन और सिल्क गम। आफ्टर सॉर्टिंग द कोकोन दे आर पुट थॉट ए सीरीज ऑफ हॉट एंड कोल्ड इमर्जेंस एज द सीरीज मस्ट बी सॉफ्टेन टू परमिट द अनवाइंडिंग ऑफ द फिलामेंट एज वन कंटिन्यूस थ्रेड, रीलिंग द फिलामेंट। अब देखो रीलिंग में क्या होता है, इट इज़ ए प्रोसेस वेयर वी आर प्रिपेयरिंग द सिल्क, द प्रोसेस ऑफ अनवाइंडिंग द सिल्क फिलामेंट फ्रॉम द कोकोन एंड कंबाइनिंग देम टुगेदर टू मेक ए थ्रेड ऑफ रॉ सिल्क कॉल्ड रीलिंग, जो कच्चा सिल्क बनाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग रीलिंग। फॉर कमर्शियल पर्पज 3-10 फाइन फिलामेंट्स आर रील टुगेदर एट ए टाइम टू प्रोड्यूस डिजायर डायमीटर ऑफ सिल्क और रील्ड सिल्क, द फाइनल यूजेबल लेंथ ऑफ रील्ड फिलामेंट इज 300 to 600 meters, जो मिनिमम बनता है वो है 300 to 600 meters का एक रील बनता है। अब बेलिंग एक प्रोसेस होता है, देखो दिस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ऊल, इसलिए दोनों को लर्न करना पड़ेगा। बेलिंग, रील्ड सिल्क इज पैक्ड इनटू स्मॉल बंडल्स एंड आर पुट इनटू ब्लेस विच वेव एज हेवी एज 2 kg to 4.5 kg इन दिस फॉर्म। रॉ सिल्क इज शिप्ड टू सिल्क मिल ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिल्क फाइबर आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लोथ बाय वीवर। अब देखो वैराइटीज ऑफ नेचुरल सिल्क होते हैं, वैराइटीज ऑफ नेचुरल सिल्क बहुत सारे होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क आर प्रोड्यूस बाई ए ह्यूज वैराइटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स ओनली, फ्यू हैव कमर्शियल वैल्यू। द 4 commercially known varieties of natural silk are मलबरी सिल्क,
सबसे पहले आता है मारवाड़ी सिल्क, दूसरा है तस्सर सिल्क, तीसरा है मूंगा सिल्क, फोर्थ वन है इरी सिल्क। मैं फिर से पढ़ देता हूँ, मलबरी सिल्क, तस्सर सिल्क, मूंगा सिल्क और री सिल्क। अब देखो ये एक्टिविटी है, बट इफ़ यू वांट टू डू यू कैन डू इट। दुकान पे जाना है, अलग अलग टाइप के कपड़े लेने हैं, अलग अलग टाइप के सिल्क लेने हैं और उसको समझना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मूंगा, तस्सर, मलबरी, है ना, इरी सिल्क, ये सब जो सिल्क हैं इनके अंदर क्या डिफरेंसेस आते हैं। नाउ वी गो फॉर यूज़ ऑफ सिल्क, इसके सिल्क यूज़ क्या होते हैं। सिल्क इज यूज इन मैनुफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ्स, ड्रेस मटेरियल, कॉटन एंड ऑफ होल सिल्क। फॉर हैंडीक्राफ्ट, इसके बहुत सारे यूज़ होते हैं। फॉर हैंडीक्राफ्ट एंड आइटम्स लाइक पैरासूट, बाइसिकल के जो टायर होते हैं, आपने बाइसिकल के टायर देखे होंगे, इसमें नायलॉन्स के थ्रेड यूज़ होते हैं, प्लस सिल्क थ्रेड भी यूज़ होते हैं, बट इट यूज़ टू बी वेरी कॉस्टली। जो कार के टायर होते हैं उसमें भी इसके यूज़ होते हैं, दैट इज़ फैब्रिक, सिल्क फैब्रिक, बट इट यूज़ टू बी वेरी कॉस्टली। इसलिए कार के जो टायर होते हैं थोड़े महंगे होते हैं। कम्फर्टर फीलिंग एंड आर्टिकुलेटिंग गन पाउडर बैग्स, जो गन के पाउडर के बैग्स बनते हैं वो सिल्क के बनाए जाते हैं। थ्रू ए स्पेशल मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस इज मेड सुटेबल फॉर यूज इन मेडिकल फील्ड फॉर वूंड्स एंड बर्न्स, उसमें भी यूज़ होते हैं। इसके बैंडेज भी बनाए जाते हैं। डॉक्टर्स ऑल्सो यूज इट टू मेक प्रोथेसिस अर्थीस, यानी इसके जो है ना पैर में बांधने वाले पैड बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं इसकी। ये की वर्ड विच यू नीड टू लर्न, कभी भी आपको कुछ डिफाइन पूछा जाएगा या कुछ ऐसे पूछे जाते हैं तो यू कैन प्रिपेयर इट एंड दिस यू हैव टू राइट इन फेयर बुक। तो ये था आपका फाइबर टू फैब्रिक, दिस इज़ वेरी गुड चैप्टर्स और आपको अच्छे से इसको लर्न करना है, इसके में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो कलेक्ट करने हैं। चलो थैंक यू, होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस वीडियो वेरी वेल और वी हैव फिनिश दिस कंप्लीट चैप्टर विद दिस वीडियो। देर इज़ ओनली टू पार्ट इन दिस चैप्टर, यू हैव टू गो थ्रू द इंटायर वीडियो। वीडियो पार्ट आप वन भी देखो, टू भी देखो, दोनों देखने के बाद यू गो फॉर MCQ, फिल इन द ब्लैंक, मैच द फॉलोइंग, वॉट एवर द क्वेश्चंस आर गिवन इन योर बुक, राइट ऑल दीज क्वेश्चन आंसर इन योर फेयर बुक एंड एज वेल एज की वर्ड, बिकॉज की वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें सारे डिफिनेशंस दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है। विद दिस वी आर गोइंग टू फिनिश द चैप्टर 3। थैंक यू।